Hello students, you are welcome. I'm in my online teaching classes. आप सबका मेरी online teaching classes में स्वागत है. मैं शीश पाल चौहान BA part 1 के students के लिए उनका lesson with the photographer लेके आया हूँ और इसके question answer हम लेके चल रहे हैं. और सबसे पहले हम very short answer type question लेते हैं जिनका answer आपको one word, phrase या वन सेंटेंस में देना है. पहला क्वेश्चन है हु सेट द लाइन आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन. तो इसका आंसर बनता है द नरेटर. नरेटर ने ही कहा था. और क्वेश्चन टू है हाउ डिड इट टेक टू द फोटोग्राफर टू ओपन द इनर डोर. अंदर का जो दरवाजा था फोटोग्राफर ने बंद किया हुआ था और उसने जब ये नरेटर गया था और ये कहा था यू वांट माई फोटोग्राफ टेकन तो उसने उसे कहा यू विल हैव टू वेट फॉर वन आवर और उसे एक घंटे के लिए इंतजार करने के लिए कहा था. तो पूरे घंटे के बाद दरवाजा खोला उसने. तो क्वेश्चन भी यही था हाउ डिड इट टेक टू द फोटोग्राफर टू ओपन द इनर डोर. तो इट टुक वन आवर, एक घंटा लगा उसमें. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर डू व्हाइल वेटिंग फॉर द फोटोग्राफर. अब एक घंटा जो उसने नरेटर ने बिताया पास किया तो उसमें क्या काम किया, उसने अपना समय कैसे गुजारा. आंसर है ही स्टार्टेड रीडिंग सम मैगजीन्स लाइंग देयर ऑन द टेबल. तो उसने ही स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस, अगर हम कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा. रीडिंग तो उसने इतना नहीं किया होगा. ही स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस ऑफ सम मैगजीन्स लाइंग देयर ऑन द टेबल. जो टेबल पे मैगजीन पड़ी थी उनके पेजेस को टर्न किया. व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट द ईयर्स. नरेटर ने ईयर्स के बारे में क्या कहा. द नरेटर सेड that in his photograph the ears didn't look real. जब उसने फोटोग्राफ अपना लिया था नरेटर ने तो उसने अपने कानों के बारे में कहा था कि मेरे कान रियल नहीं लग रहे, वास्तविक नहीं लग रहे. क्वेश्चन 5 व्हाई डिड द नरेटर ब्रेक इनटू टीयर्स एट द एंड. एट द एंड ऑफ द स्टोरी नरेटर आप जानते ही हैं रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. आंसर है इट वॉज बिकॉज ही कुड नॉट रिकोगनाइज हिज ओन फोटोग्राफ. क्योंकि नरेटर अपनी फोटोग्राफ रिकोगनाइज नहीं कर सका, उसकी फीचर्स जो थी फेशियल फीचर्स जो फीचर्स होती हैं चेहरे पे उनको एग्जेजरेट इतना कर दिया था कि वो अनरियल लग रही थी. उनमें इतने कलर कर दिए थे उसने. अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो टेक्स्टुअल के अलावा भी हैं. वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हाउ डिड द फोटोग्राफर लुक लाइक अकॉर्डिंग टू द नरेटर. नरेटर के अनुसार फोटोग्राफर कैसा लगता था. ही लुक्ड लाइक ए नेचुरल साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट जैसा लगता था. व्हाट डिड द फोटोग्राफर रोल इनटू द मिडल ऑफ द रूम. कमरे के बीचों बीच फोटोग्राफर रोल करता हुआ क्या लाया. आंसर है अ मशीन लाइक कैमरा. कैमरा था, मशीन जैसा लगता था. क्वेश्चन नेक्स्ट वेयर डिड द नरेटर सिट. नरेटर कहाँ बैठा हुआ था. इन ए बीम ऑफ सनलाइट, सूरज की किरण किसी सुराख में से छन के आ रही थी, नरेटर उसके नीचे बैठा. नेक्स्ट है व्हाट डिड द फोटोग्राफर से अबाउट द नरेटर्स ईयर्स. फोटोग्राफर ने नरेटर के कानों के बारे में कहा. उसने कहा था ही सेड दैट हिज ईयर्स वर बैड, कि उसके कान बुरे हैं. क्वेश्चन है व्हाट माइट बी द एज ऑफ द नरेटर व्हेन ही वांटेड टू हैव हिज फोटोग्राफ. जब फोटोग्राफ लेने नरेटर गया था फोटोग्राफर के पास तो उसकी एज कितनी रही होगी. तो इसमें आंसर बनता है 40 ईयर्स, 40 वर्ष. ऑन विच डे द फोटोग्राफर टेल द नरेटर टू कम टू चेक द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफ. नरेटर को फोटोग्राफर ने उसका प्रूफ चेक करने के लिए कौन से दिन बुलाया था. ऑन सैटरडे, दिस इज द आंसर. अब बी पार्ट में हम टेक्सचुअल शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में लगभग देना है. पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ. जो शुरुआत की प्रोसेस थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस फोटो लेने की, फोटो लेने से पहले जो पहली प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसको डिस्क्राइब करना है. तो आंसर बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटोग्राफर ब्रॉट द मशीन बाय पुशिंग इट इनटू द मिडल ऑफ द रूम. सबसे पहले तो फोटोग्राफर मशीन को, जो कैमरा था मशीन टाइप लग रहा था, उसको धकेलता हुआ कमरे के बीचों बीच ले आया. देन ही पुट हिज हेड इनसाइड इट, फिर उसके अंदर अपना सिर रखा कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स. After that, he adjusted the curtains of the window panes to ensure enough light and air. फिर वो curtains को और window pane को adjust कर रहा था, light और हवा अंदर आए जिससे
पहले लाइट का प्रबंध इतना नहीं होता था. देन ही अगेन पुट हिज हेड इनसाइड द मशीन. फिर उसने पुनः दोबारा अपना सिर मशीन में डाला एंड ड्रू ए ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ. और अपने कंधों पे भी उसने काला कपड़ा डाल लिया. दिस वॉज द अरेंजमेंट डन बाय हिम बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफर के द्वारा ये पहले प्रोसेस, फोटो लेने से पहले वाली प्रोसेस यही बनी. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फोटोग्राफर लुक वेरी ग्रेव. फोटोग्राफर गंभीर क्यों लग रहा था, सीरियस क्यों लग रहा था, ग्रेव. द नरेटर सेज दैट द फोटोग्राफर लुक ग्रेव और सीरियस. नरेटर कहता है कि फोटोग्राफर सीरियस लग रहा था, गंभीर लग रहा था. वी फाइंड टू रीजंस फॉर इट. हम इसके दो कारण ढूंढते हैं यहाँ पे, पाते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट को पढ़ें तो दो कारण हमें मिलते हैं. पहला कारण ये है, फर्स्ट ही लुक्ड लाइक ए साइंटिस्ट. पहले तो साइंटिस्ट जैसा लगता है और साइंटिस्ट आमतौर पे गंभीर मुद्रा में होते हैं. सो ही वॉज सीरियस. सेकंड, ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी द नरेटर्स फेशियल फीचर्स. दूसरी बात ये रही होगी कि नरेटर के जो चेहरा था, उसकी फीचर्स थी, उसको देख के वो खुश नहीं था. ही वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग हिज कैमरा टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ हिज ऑन चॉइस थी. सो ही लुक्ड ग्रेव, इसलिए वो सीरियस लग रहा था. क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं. व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट हिज ओन फेस. नरेटर ने अपने चेहरे के बारे में फोटोग्राफर को क्या कहा. द फोटोग्राफर वॉज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द नरेटर्स फेस. आप जानते हैं कि फोटोग्राफर नरेटर के चेहरे में नुक्स निकाल रहा था, उसमें कमियां ढूंढ रहा था, कह रहा था उसे. इट मेड द नरेटर एंग्री. इससे नरेटर को गुस्सा आ गया. ही सेड दैट हिज फेस वॉज हिज फेस. उसने नरेटर ने कहा कि उसका चेहरा उसका अपना है. ही हैड लिव्ड विद इट फॉर 40 years. और 40 साल तक वो उस चेहरे के साथ जिया है. ही न्यू इट्स फॉल्ट. इसके कमियां जानता है वो खुद. ही न्यू इट वॉज नॉट ब्यूटिफुल. और ये भी जानता है कि उसका चेहरा इतना सुंदर नहीं था. एंड इट वॉज नॉट मेड फॉर हिम. और चेहरा उसके लिए नहीं बना था. बट स्टिल, फिर भी, इट वॉज हिज फेस, वो उसका चेहरा है. ही लर्न टू लव इट. और 40 वर्ष में उसने उसे प्यार करना सीख लिया. He also said that the mouth and ears also belong to him. और उसने अपने मुंह के बारे में कहा, अपने कानों के बारे में कहा कि वो भी उसके अपने. He felt choked with emotions while saying all that. जब ये बातें वो कह रहा था तो उसका की आवाज़ रुंध सी जाती है भावनाओं की वजह से. तो यहाँ पे lack of confidence भी नज़र आता है नरेटर में. नरेटर फोटोग्राफर को गुस्से में एकदम जब उसने नुक्स निकालने शुरू किए तभी रोक देना चाहिए था. तो यहाँ उसके बातों का जवाब भी देता है और इमोशनल हो जाता है, रोने जैसा हो जाता है, लास्ट में रोता भी है. तो दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द नरेटर. क्वेश्चन फोर, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफ. अपनी फोटोग्राफ के प्रति कैसे नरेटर ने रिएक्ट किया जब उसको फोटो मिली लास्ट में. और वाई डिड ही से इज इट मी. और उसने ऐसा क्यों कहा कि ये मैं हूँ. द नरेटर कुड नॉट रिकोगनाइज हिज ओन फोटोग्राफ. नरेटर अपने ही फोटोग्राफ को रिकोगनाइज नहीं कर पाया था, पहचान नहीं पाया था. द नरेटर हैड एग्जेजरेटेड इट्स फीचर्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी. और फोटोग्राफर ने क्रिएटिविटी के नाम पे, कलात्मक कार्य के नाम पे कि इसमें अपनी कला दिखाऊंगा, अपनी नयापन दिखाऊंगा, तो उसके फीचर्स को, उसके चेहरे की जो फीचर्स होती हैं, भवें होती हैं, जैसे नाक होता है, कान होता है, ये सारी चीज़ें उसने बढ़ा चढ़ा दी, एग्जेजरेट कर दी, बहुत अधिक में एडिशन कर दिए, डिलीशन कर दिए. बहाना था क्रिएटिविटी का कि क्रिएटिविटी है ये मेरी. द राइटर सेड दैट ही वांटेड हिज फोटोग्राफ दैट कुड रिजेंबल हिज फेस. नरेटर ने कहा कि उसे अपनी फोटोग्राफ ऐसी चाहिए जिसमें उसका चेहरा उसके साथ मिलता हो. इट मस्ट हैव शोन इट्स रियल फीचर्स. उसमें उसके असली फीचर्स होने चाहिए. ही टोल्ड द फोटोग्राफर एंग्रीली. और फोटोग्राफर को उसने गुस्से में कहा ही कुड कीप द फोटोग्राफ विद हिमसेल्फ. कि वो उसकी फोटो को, नरेटर अब कहता है फोटोग्राफर को कि तू मेरी फोटो को अपने पास रख ले. द सेइंग ऑल दैट, इस तरह से ये सारी बातें कहते हुए ही लेफ्ट द स्टूडियो फीलिंग सेंटिमेंटल. नरेटर ने स्टूडियो सेंटिमेंटल महसूस करते हुए छोड़ दिया. आंखों में उसके आंसू आ गए थे. इसके पश्चात हम ले के चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सबके सामने मैं रखने जा रहा हूँ. और पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द नरेटर्स फोटोग्राफ. वंस द नरेटर वांटेड टू गेट हिज फोटोग्राफ क्लिक्ड. एक बार नरेटर अपनी फोटो उतरवाना चाहता था. सो ही रीच्ड अ स्टूडियो. इस वजह से वो एक स्टूडियो में पहुंचा. द फोटोग्राफर टोल्ड हिम टू वेट.
फोटोग्राफर ने उसे नरेटर को कहा कि भाई अभी इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो। द नरेटर हैड टू वेट फॉर फुल वन आवर और नरेटर को पूरे एक घंटा इंतजार करना पड़ा। देयर वॉज नो अदर कस्टमर प्रेजेंट इन द स्टूडियो, स्टूडियो में कोई और कस्टमर नहीं था। द नरेटर पास दैट वन आवर बाई टर्निंग द पेजेज ऑफ सम मैगजीन्स लाइंग देयर ऑन द टेबल। तो नरेटर को पूरा एक घंटा बिताना पड़ा मैगजीन्स के पेज टर्न कर। वन आवर पूरे एक घंटे के बाद द फोटोग्राफर कॉल्ड हिम इन। फोटोग्राफर ने नरेटर को अंदर बुलाया। ही वॉज मेड टू सिट ऑन ए स्टूल, उसे एक स्टूल पे बिठा दिया गया। देन ही पुल्ड इन एन ओल्ड मशीन इन द मिडल ऑफ द रूम। फिर एक अटपटी सी मशीन को फोटोग्राफर धक्के मार मार के रोल करता हुआ कमरे के बीचों बीच ले आया। ही पुट हिज हेड इनसाइड द मशीन फॉर ए फ्यू सेकंड्स। फिर उसने अपना मुंह, अपना सिर उस मशीन में डाला कुछ एक पलों के लिए। देन ही एडजस्टेड द कर्टन्स। फिर वो एकदम देखा कि लाइट कम आ रही होगी, रोशनी कम होगी, तो उसने कर्टन एडजस्ट किए, विंडो पेंस एडजस्ट किए ताकि सफिशेंट लाइट कमरे में आए। अगेन ही पुट हिज हेड इनसाइड द कैमरा कैमरा मशीन एंड कवर्ड हिज बॉडी अप टू द शोल्डर्स बाई ए ब्लैक क्लॉथ। फिर उसने अपना सिर उस मशीन में डाला और एक काले रंग का कपड़ा अपने कंधों तक डाला और अपने उस ऊपरी हिस्से को ढक लिया। फिर बस साइलेंस इन द रूम, कमरे में साइलेंस थी, सन्नाटा था। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ एक पलों के बाद द फोटोग्राफर टोल्ड द नरेटर। फोटोग्राफर ने नरेटर को कहा दैट हिज फेस वाज रॉन्ग, कि तुम्हारा चेहरा गलत है। ही केम नियर द नरेटर, और फिर वो नरेटर के पास आ गया। ट्विस्टेड हिज हेड साइडवेज, उसके सिर को साइड में ट्विस्ट किया, साइड में मोड़ा। एंड केप्ट वॉचिंग एट इट, और उसकी तरफ एक टक देखता चला गया। देन ही सेड विद ए डीप साई, फिर उसने एक लंबी सी सांस भरी और कहा दैट हिज हेड वाज आल्सो नॉट करेक्ट, कि तुम्हारा तो सिर भी करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। इन दिस वे ही कंटिन्यूड सेइंग समथिंग इरिटेटिंग अबाउट द नरेटर्स आईज ईयर्स एंड माउथ। इस तरह से नरेटर के कानों के बारे में, उसकी आंखों के बारे में, उसके मुंह के बारे में कुछ इरिटेटिंग कहता चला गया। आखिरकार क्या हुआ? एट लास्ट द नरेटर वाज फुल ऑफ एंगर, नरेटर पूरे गुस्से में भर गया। एंड ही सेड दैट ही लव्ड हिज फेस, नरेटर ने कहा कि भाई मैं अपने चेहरे से प्यार करता हूँ। दो इट वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल, यद्यपि ये इतना सुंदर नहीं है, फिर भी अपने चेहरे से प्यार करता हूँ। ही कंटिन्यूड स्पीकिंग शोइंग फुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। जब नरेटर ये बातें कह रहा था तो इमोशंस की वजह से चेहरे पे एक्सप्रेशन काफी क्लियर आ गया था। तो फोटोग्राफर ने एकदम मौका पाया, अवसर मिला उसे, और एकदम उसकी फोटो क्लिक कर दी। द फोटोग्राफर क्लिक्ड हिज फोटोग्राफ इन एनिमेशन देन, और एनिमेशन में थी उसका चेहरा, तो एकदम क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह से फोटो ले ली गई। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर का जो चरित्र चित्रण है उसको आपको बताना है, करेक्टर में क्या क्या बातें हैं। द फोटोग्राफर वाज ए थिन पर्सन विद डिम आईज, पतला दुबला शरीर है उसका, आंखों में डिमनेस है, चमक नहीं है। ही लुक्ड लाइक ए नेचुरल साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट लगता है। ही वोर ए ग्रे कलर्ड सूट, उसने एक ग्रे कलर का सूट भी पहना हुआ है। द नरेटर हैड हिज ओन परसेप्शन अबाउट हिम, नरेटर की अपनी धारणा थी फोटोग्राफर के बारे में या फोटोग्राफर्स के बारे में। सो ही सेड दैट ऑल फोटोग्राफर्स लुक्ड सेम टू हिम, इसलिए नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उसे एक जैसे ही लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट दे रिमेन साइलेंट एंड सीरियस, वो चुप रहते हैं, गंभीर दिखते हैं। एंड आर लॉस्ट इन देयर ओन इमेजिनेशन, और अपने ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। द फोटोग्राफर वॉज नॉट पोलाइट विद द नरेटर, और फोटोग्राफर पोलाइट नहीं था, विनम्र नहीं था नरेटर के साथ। फर्स्ट ही डिड नॉट वेलकम द नरेटर एज ए क्लाइंट, पहली बात तो नरेटर को क्लाइंट के रूप में स्वागत नहीं किया, उसका वेलकम नहीं किया। ही डिडंट इवन शो ए स्माइल ऑन हिज फेस, और ज़रा सी भी अपने चेहरे पे स्माइल नहीं शो की जब नरेटर वहाँ पहुँचा, उसके स्टूडियो में पहुँचा। और रादर ही टोल्ड हिम टू वेट फॉर एन आवर, और बल्कि उसे कहा कि एक घंटा इंतज़ार करो। आफ्टर दैट, उसके बाद ही अटर्ड सेवरल वर्ड्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कुछ नुक्स निकालने वाले शब्द यूज़ किए उसने, और इट वॉज रूड ऑफ हिम टू से, ऐसा कहना उसके लिए काफ़ी इम्पोलाइट था, जिसमें रूडनेस थी। द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ये कहा उसने। आई डोंट लाइक द हेड, द ईयर्स आर बैड,
We also think that photographer was an eccentric type of person. हम ये भी सोचते हैं कि photographer एक सनकी type का व्यक्ति था. He was driven by his whims and fancies. अपनी परिकल्पनाओं के द्वारा प्रभावित था वो. He believed that he was doing a great job और उसका विश्वास था कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है. By exaggerating the facial features of the narrator, narrator की जो features हैं चेहरे की जो फेशियल फीचर्स होती हैं, नाक है, कान है, आंखें हैं, भवें होंठ हैं, मुंह की बनावट है, इनको बढ़ा चढ़ा के वो सोच रहा है कि वो क्रिएटिविटी कर रहा है वो. ही चेंज द नरेटर्स फीचर्स बियॉन्ड रिकग्निशन और इसी सनक में उसने नरेटर की जो फीचर्स थी उनको इतना बदल दिया कि उनको पहचानना मुश्किल हो गया. बट देर वॉज नो इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफर व्हेन द नरेटर शोड हिज एंगर एट द चेंजेस मेड ऑन हिज फेस. और लास्ट में इस एसे के अंत में जब नरेटर अपनी फ़ोटो देखता है तो वो पहचान नहीं पाता अपने चेहरे को. नरेटर को इतना गुस्सा आता है जो फोटोग्राफर ने उसके चेहरे में चेंजेस की कि नरेटर एक किस्म से रो पड़ता है. तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है. थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. डिस्क्राइब सम ह्यूमरस एलिमेंट्स इन द स्टोरी विद द फोटोग्राफर. कहानी में कुछ ह्यूमरस एलिमेंट जहाँ पाठकों को हंसी आती है तो वो ह्यूमरस एलिमेंट्स होते हैं. और इस कहानी में हमें वो सिचुएशन देखनी है जहाँ पे हम हंसने पे मजबूर हो जाते हैं. और स्टीफन लीकॉक की तो ये खासियत है, ये उसकी विशेषता है लेखक की. ह्यूमर इज़ ए टूल टू मेक द नरेटिव इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर. ह्यूमर एक औजार की तरह काम करता है, एक टूल की तरह काम करता है नरेटिव को दिलचस्प बनाने के लिए रीडर के लिए. इट मेक्स एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट वेरी इंटरेस्टिंग. एक सामान्य सी घटना काफ़ी दिलचस्प हो जाती है ह्यूमर की वजह से. स्टीफन लीकॉक ऑफन यूजेज ह्यूमर इन हिज वर्क्स. और स्टीफन लीकॉक अपने वर्क्स में ह्यूमर खूब यूज़ करते हैं. हियर इन द प्रेजेंट स्टोरी, यहाँ वर्तमान कहानी में, वी फाइंड आल्सो फाइंड ए लॉट ऑफ सिचुएशंस. हमें बहुत सी सिचुएशंस यहाँ मिलती हैं, स्थिति क्रिएट होती हैं वेयर द रीडर इज मेड टू लाफ इंस्टिंक्टिवली. जहाँ पे नरेटर इंस्टिंक्टिवली हंसने पे मजबूर हो जाता है. इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से हंसता है, कोई मजबूरी नहीं होती, ऐसी सिचुएशन बन जाती है. फर्स्टली द नरेटर इज पुश्ड इनटू एन ऑड सिचुएशन. पहली बात है नरेटर को एक ऐसी अटपटी स्थिति में फंसा देता है राइटर. व्हेन ही इज पोस्ट टू वेट फॉर एन आवर, जब उसे एक घंटा इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है, प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है. आफ्टर वन आवर, एक घंटे के बाद, ही मीट्स द फोटोग्राफर विद हिज सीरियस एंड ग्रेव एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. और एक घंटे बाद फोटोग्राफर अपने स्टूडियो में से निकल के आता है, उसके चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन है, गंभीरता है और बिल्कुल कोई इमोशन उसके चेहरे पर नहीं है. द फोटोग्राफर्स अटरेंसेज आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर. और जो फोटोग्राफर बोलता है कन्वर्सेशन के दौरान, नरेटर के साथ बात चलती है तो उसमें उसकी अटरेंसेज, उसके जो भी शब्द हैं यूज़ किए उसने, काफ़ी एक्साइटिंग है. लाफ्टर एक्साइटिंग है, हंसी पैदा करते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ हिज अटरेंसेज आर गिवन बिलो. उसके अटरेंसेज के कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं. These are purely devoid of emotions and salesmanship. और जो भी sentences उसने बोले, utterances बोली अपनी, इनमें emotion नहीं है, emotion से वंचित है, devoid of वंचित होना, और इसमें professionalism नहीं है, salesmanship नहीं है, क्योंकि उसका ये business था, दुकानदारी थी उसकी, फिर भी वो अपने clients के साथ व्यवहार उसका इस तरह का professional type नहीं था. जैसे उसने कहा सिट देयर, रुखेपन से कहा कम इन, सिट डाउन, द फेस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ओपन द माउथ ए लिटल, क्लोज इट, द ईयर्स आर बैड, आई डोंट लाइक द हेड, इस तरह की बातें उसने की. व्हेन द फोटोग्राफर टर्न्स द नरेटर्स हेड साइडवेज, और इसे एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं, जहाँ पे फोटोग्राफर नरेटर का चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसको साइड में टर्न करता है और नरेटर अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है. इट आल्सो क्रिएट्स ए लॉट ऑफ फन फॉर द रीडर. रीडर के लिए यहाँ भी खूब फन क्रिएट होता है.
At one time, the narrator continues speaking about faces. एक समय ऐसी बात चल रही थी faces के बारे में, तो narrator अपनी व्याख्या दे रहे हैं और बता रहे हैं faces के बारे में, तो photographer सुनना ही बंद कर देता है. The photographer stops listening and keeps himself busy in his work, और अपना काम करता रहता है. That situation is also very hilarious for the reader. Reader के लिए ये situation भी काफ़ी funny है. रीडर को खूब हंसी आती है कि फोटोग्राफर तो अपने काम में बिजी है, उसकी सुन ही नहीं रहा और नरेटर बोले जा रहे हैं. नरेटर्स रिएक्शंस आल्सो कॉज ए लॉट ऑफ फन इन द स्टोरी. नरेटर के जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, वो भी फन क्रिएट करती हैं. जैसे कि स्टॉप, दिस इज़ माय फेस, ये मेरा चेहरा है, बंद करो. आई नो इट्स नॉट ब्यूटिफुल, मैं जानता हूँ कि ये सुंदर नहीं. द एंटी क्लाइमैक्स रीचेस व्हेन द फोटोग्राफर शोज द नरेटर हिज फोटोग्राफ. एंटी क्लाइमैक्स तब बनता है जब फोटोग्राफर उसको नरेटर को उसकी फ़ोटो दिखाता है, विच द नरेटर डज नॉट रिकग्नाइज, और उस फोटो को नरेटर बिल्कुल भी नहीं पहचानता. ही बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड लीव्स द स्टूडियो, और वो रो पड़ता है और स्टूडियो छोड़ देता है नरेटर. तो इस तरह से ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं कहानी में. प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाते हैं. अगर समय लगा तो नेक्स्ट लेसन भी लेके आऊँगा. Till then, have a nice day. Thank you.